इसराइल ने बुधवार को दक्षिणी लेबनान के नाबितिये शहर पर हमला किया। यह हमला नाबितिये की म्यूनिसिपल बिल्डिंग पर हुआ। इस हमले में बताया जा रहा है कि शहर के मेयर समेत 6 लोगों की मौत हो गई। इसराइल ने इस हमले से पहले बेरूत के कस्बों पर भी हमले किए हैं। इस दौरान इसराइल ने हिजबुल्ला के एक अंडरग्राउंड हथियार गोदाम को निशाना बनाया। इसराइली सेना का दावा है कि इस हमले से पहले उसने नागरिकों को सुरक्षित निकलने के लिए चेतावनी दी थी। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार इसराइल सेना के जगह खाली करने के आदेशों से अब तक लेबनान के 1/4 से अधिक हिस्से पर असर पड़ा है। अमेरिका ने भी इजरायली हमलों में बढ़ती मौतों और युद्ध के बढ़ने को लेकर चिंता जताई। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने मंगलवार को कहा, बेरूत में इजरायल के हमलों को लेकर हमने इजरायली सरकार को अपनी चिंताओं से अवगत करवाकर इसका विरोध दर्ज किया है। दूसरी तरफ अमेरिका ने इसराइल से 30 दिन के अंदर गाजा में मानवीय सहायता की स्थिति सुधारने के लिए भी कहा है। ऐसा न करने पर सैन्य सहायता रोकने की चेतावनी दी। इसके बाद इसराइल ने उत्तरी गाजा में राहत सामग्री के 50 ट्रक भेजे हैं। हालांकि अमेरिकी चेतावनी पर इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय का कहना है कि हम अमेरिका के सुझावों को सुनेंगे, लेकिन अंतिम फैसला अपने देश के हितों को ध्यान में रखकर लेंगे। हालांकि पिछले हफ्ते ही अमेरिका ने इसराइल को मिसाइल डिफेंस सिस्टम और सैनिक भेजने की घोषणा की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस सब के साथ इसराइल ने ईरान के मिसाइल हमलों का जवाब देने की योजना भी तैयार कर ली है। CNN की एक रिपोर्ट में दावा है कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका को भरोसा दिलाया है कि ईरान पर होने वाला पलटवार केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित रहेगा, तेल या परमाणु ठिकानों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। बता दें कि ईरान ने 1 अक्टूबर को इसराइल पर 180 मिसाइलें दागी थी। ईरान ने यह हमला हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्ला और हमास चीफ इस्माइल हानिये की मौत का बदला लेने के लिए किया था। हमले के बाद नेतन्याहू ने चेतावनी दी थी कि ईरान को इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। इन सब के बीच भारत में इसराइल के राजदूत आज अयोध्या पहुंचे श्री राम लला के दर्शन को। हम इन्हीं दृश्यों के साथ आपको छोड़े जाते हैं।